So let us start with today's lecture. Exercise 2.1, page number 39, Maths 1, Mathematics 1. The chapter name is Matrices. Okay. Hey, ये सब मत करो यार. क्या कौन कर रहा है ये? Who is this? देवीदयाल से कोई तो कर रहा है. Okay. Exercise 2.1. Exercise 2.1. Question number 1. Construct a matrix A. Construct a matrix A. Aij 3, 2. Okay. Construct a matrix. अभी matrix मतलब singular और matrices मतलब plural. Okay. मैट्रिक्स मतलब सिंगुलर, मैट्रिसेस मतलब प्लूरल. सो ए ए आई जे, ये सबका मीनिंग मैं आपको बता देता हूं. 3 × 2. ओके, ए इज अ मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 3 × 2, 3 rows and 2 columns. रोज आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर वर्टिकल, यू नो दैट राइट? Is that correct? 3 × 2 का मतलब समझ में आया? Okay. Now A. A is an individual object. A is an individual object. I represents row number and J represents column number. I represents row number and J represents column number. A is the object. A is the object. I represents row number and J represents column number. Have you understood this? Okay. अभी इसको हम लोग, इसका हम लोग मैपिंग करेंगे. There is something which is called as mapping, and mapping is for our understanding. Mapping is for our understanding. Okay. Now see, 3 rows बराबर है, 3 rows बनाया मैंने. Have I created 3 rows? क्योंकि 3 rows बोला है ना इसके लिए. Have I created 3 rows? And 2 columns. तो एक यहाँ पे लाइन आएगा, मतलब ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2. समझ में आया? 3 rows and 2 columns. So 1, 2, 3, 3 rows and 2 columns, 2 vertical columns. Okay. सब लोगों को समझा गया ये? Okay. So the first object is written over here. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले रो आता है बाद में कॉलम आता है. आई इज रो नंबर, जे इज कॉलम नंबर. सेकेंड ऑब्जेक्ट कैन बी रिटन एज ए. कोई बोल सकता है मुझे ए फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम. सो ए 1, 2, ए 2, 1 नहीं लिखना प्लीज, डोंट राइट ए 2, 1. It's A12 and this is mapping. ये आपको कॉलेज में अगर सिखाएंगे तो फिर अच्छी बात है, लेकिन मैं तो हमेशा सिखाता हूँ ये मैपिंग. ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट A. कोई बोल सकता है मुझे A 2, 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. देन A 2, 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ओके, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ए 3, 2. चलो ये समझा क्या तुम लोग को? मैपिंग समझा? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स.
they have given a formula a I j, a I j equal to I minus j d whole square upon phi minus I. Upon phi minus I. Okay, is it given to us? Okay, now let us take the first object. Kunsa object loop first? Which object should I take first? A11, correct, very good. That's correct, Nikhil, Kritika, that's right. A11. I ke jagah pe kya dalu yahan pe? I ke jagah pe kya dalu, bolo. 1. J ke jagah pe? 1. Kyunki pehla wala I hai. Jo first hai na, first. ये आई है और सेकेंड है वो जे है. यस दिस विल गिव अस द इंडिविजुअल एलिमेंट्स, डोंट वरी. सो 1 - 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5 - 1. ओके, A11 का आंसर क्या है बोलो, चलो जल्दी. A11 का आंसर क्या है? 0. ओके, A11 का आंसर 0. अंडरस्टूड? कॉपी करो अच्छे से, कम ऑन. A11 का आंसर 0. वाई यू टू A11 क्योंकि ये यहाँ पे A11 है, तो A11 लिया. ओके, हाउ दैट आंसर केम का मतलब क्या है? 1 - 1 0, 0 square 0, 0 upon anything is 0. Okay. Next, कौन सा ऑब्जेक्ट लोगे? मैंने बोला ना ये आय है, ये आय है, ये जे है. पहला वाला आय, दूसरा वाला जे. तो आय के जगह पे 1 डाला, जे के जगह पे 1 डाला और कैलकुलेट किया आंसर. I hope now it is clear. Next object कौन सा लूंगा मैं, बोलो. चलो next object. A12. I की जगह पे क्या आएगा, चलो सब लोग बोलो. I की जगह पे क्या आएगा? I is first and J is second. ये बोल रहे हैं ना, आई फर्स्ट है, सेकंड जी है. सो 1 - 2 दी होल स्क्वायर अपॉन 5 - 1, इज इट 1/4? Is it 1/4? So we got the second object. We got the second object. Okay, A12 मिल गया. ठीक है, should I proceed? Decimals में मत करो, चलेगा, not a problem. -1/4 कैसे रहे? -1 का square तो 1 होता है ना. Am I? What are you doing? Third object. A21, ये देखो A21. So is it 2 - 1 the whole square? I का value 2, J का value 1, 5 - 2. कितना है ये? 1/3 आया. A21. Okay. Should I erase this?
A22, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है मेरा A22, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट देखो A22, मैपिंग देखने का कभी भी मैपिंग, सो 2 - 2 दी होल स्क्वायर अपॉन 5 - 2, वी हैव टू शो दिस कैलकुलेशन, यस ऑब्वियसली 0 / 3 दैट इज 0, यस वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द 6 ऑब्जेक्ट्स. जीरो आया क्या तुम लोगों को, देखो कैलकुलेशन देखो, ओके A22 जीरो आया राइट, ओके नाउ A31 सो 3 - 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 5 - 3, ओके आंसर क्या है इसका, दिस इज 2 स्क्वायर दैट इज 4 / 2 दैट इज 2, ओके 4 / 2 दैट इज 2 राइट, देन A32 ओके सो 3 - 2 दी होल स्क्वायर अपॉन 5 - 3 कितना आया 1/2, ओके हैव यू गॉट ऑल द 6 ऑब्जेक्ट्स, 1/3 कैसे रहे, 1/2 देखो बराबर से, फाइव माइनस थ्री ना आई का वैल्यू डाल दो, आई इज 3, आई 2 कैसे, ओके नाउ विल राइट द मैट्रिक्स इन अ करेक्ट फॉर्मेट, अच्छे से एकदम फाइनल आंसर लिख देते, देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इक्वल टू A11 क्या आया बोलो, A11 जीरो, A312 कैसे, ओके चलो मैं वापस बता देता हूँ, A31 ओके A31 सो 3 - 1 दी होल स्क्वायर अपॉन 5 - 3 5 - 3 ओके 3 - 1 दी होल स्क्वायर कितना है 2 स्क्वायर 4 / 2 दैट इज 2 राइट, ना तो ये किया था हम लोग ने, ओके A32 भी मैंने सॉल्व किया था ना, आई डोंट रिमेम्बर ना मैं भूल गया, A32 किया ना हम लोग ने, ओके गुड चलो, सो नाउ दिस इज 1/4 राइट, A22 A11 हो गया, A22 हो गया, A12 अभी A21 कितना है, A21 1/3 A22 0 A31 2
A32 1/2. Okay, so this is your final answer. This is your final answer. ठीक है, सब क्वेश्चन टू और सब क्वेश्चन थ्री होमवर्क के लिए कर देना. सब क्वेश्चन टू और सब क्वेश्चन थ्री होमवर्क के लिए कर देना. सब क्वेश्चन टू और सब क्वेश्चन थ्री होमवर्क के लिए कर देना. सिर्फ ये फॉर्मूला चेंज हो रहा है, ये फॉर्मूला चेंज हो रहा है. ओके, दिस आर थ्री सेपरेट क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चन नहीं हो, तीन अलग अलग क्वेश्चंस है. मेन फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा ना, मेन फॉर्मेट ये सेम रहेगा क्या? यस, इट इज कॉमन फॉर ऑल द थ्री क्वेश्चन. इट इज कॉमन फॉर ऑल द थ्री क्वेश्चन. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज अ रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके, सेकेंड प्रॉब्लम, फर्स्ट वन. आई राइट डाउन द एलिमेंट्स फॉर यू. 3-2, 4, 0-0, -5, 0-0, 0. ओके, तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मेट बना देता हूँ. बोलो ये कौन सा टाइप का मैट्रिक्स है? कल ही हम लोग ने किया ना, कल की परसों, राइट? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सो दिस इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. Okay, so this is an upper triangular matrix. Upper triangular matrix, right? Okay. अपर ट्रायंगुलर है, जो ग्रीन कलर का बाउंड्री बना है ना, उसके नीचे सब एलिमेंट जीरो रहना चाहिए. ग्रीन कलर का जो बाउंड्री बना है, इसके नीचे सब एलिमेंट जीरो रहना चाहिए. ग्रीन कलर का बाउंड्री के अंदर कोई भी जीरो रहेगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन बाउंड्री के नीचे जीरो रहना चाहिए. ओके, सेकेंड वन, 5-4-3. 5-4-3. कॉलम मैट्रिक्स. स्केलर किधर से आया रे बाबा? स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. स्केलर किधर से आया? इट हैज अ सिंगल कॉलम, सो इट्स अ कॉलम मैट्रिक्स. ओके, कॉलम मैट्रिक्स. थर्ड वन, we have a single row over here. 9-2-3. It's a row matrix. It's a row matrix. It's a row matrix. Okay. Fourth. 1st of all, it's a square matrix. It's a square matrix. Is it a diagonal matrix? Non-diagonal elements are 0. It is also a diagonal matrix. Is it a scalar matrix? Yes, it is also a scalar matrix. Because diagonal elements have the same number. Upar 6 hai, to niche bhi 6 hai. It's a scalar matrix.
I hope you understood this. तीनों नाम लिखने का, yes, तीनों नाम लिखने का, square matrix, diagonal matrix and scalar as well. I might be writing short forms, but then you write full form, please. अरे हाँ भाई, मैंने बोला तीनों लिखने का. एग्जाम में भी तीनों लिखने का. यूनिट मैट्रिक्स में डायगनल पे वन रहता है. यूनिट मैट्रिक्स में डायगनल पे वन रहता है. डू वी हैव वन ओवर हियर गाइस? इज दिस यूनिट मैट्रिक्स? ये वाला यूनिट मैट्रिक्स है क्या? नहीं है, क्योंकि डायगनल पे वन थोड़ी ना. ओके, सो बी केयरफुल गाइस. ओके, फिफ्थ वन, ये जो फर्स्ट वाला था ना, इधर मैं एक चीज भूल गया आपको बोलने को. दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स. दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स. पहला वाला था ना, वहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स भी मेंशन कर दो. ओके, यस. नाउ फिफ्थ वन, टू जीरो जीरो, जो जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं ना, वो सब लिख देना नेम्स. थ्री माइनस वन जीरो, माइनस सेवन थ्री वन. आई एम प्रिपेयरिंग अ फॉर्मेट ओवर हियर. ये देखो, व्हाट इज दिस? इट्स अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स? यस. एक क्वेश्चन में पूछा है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्या, देख लो. तो दोनों है, स्क्वायर भी है, लोअर ट्रायंगुलर भी है. ओके, तो दोनों मेंशन करने का एग्जाम में. इट इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एज वेल एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ऐसा स्टेटमेंट हम लोग खुद के वर्ड्स में लिख सकते हैं. चलो, इसमें ज्यादा टाइम पास नहीं करने का, जल्दी जल्दी करो. ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स. इट्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बराबर है? नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो, सो इट्स अ डायगनल मैट्रिक्स. ओके, अब ये देखो, ये प्रॉब्लम में ना, ये प्रॉब्लम में इट कैन ऑल्सो बी an upper triangular and lower triangular. It can also be upper triangular and lower triangular. दोनों फॉर्मेट बन रहे, चलेगा ना? Have you understood this? ठीक है, एवरी डायगनल मैट्रिक्स यस, इट्स एन अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर लिख सकते हो. ठीक है, लास्ट वन, सेवेंथ वन. सेवेंथ वन में लिख नहीं रहा हूं, तुम लोग बोलो. ये यूनिट मैट्रिक्स भी है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, डायगनल मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है. समझा क्या?
रो और कॉलम छोड़ के बाकी सब कुछ है, जो एक जो क्वेश्चन में बोला है ना, रो और कॉलम को छोड़ के बाकी सब कुछ है। ओके, शुड आई प्रोसीड नाउ? शुड वी प्रोसीड? ओके, लास्ट वन, सेवेंथ वन जो दिया है ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगनल है, स्केलर है, यूनिट मैट्रिक्स भी है, अपर और लोअर दोनों है, सेवेंथ वन। ओके, शुड आई प्रोसीड? ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर? विच ऑफ द मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर? ठीक है, थर्ड वन, इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स इज सिंगुलर, what is so significant about it? its determinant is zero. okay, so first wala question jo hai, a is a matrix. okay, a is a matrix, a b c, fine, p q r, 2a minus p, 2b minus q, 2c minus r. ओके, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, डिटर्मिनेंट, इट्स अ 3x3 डिटर्मिनेंट, इसका डिटर्मिनेंट निकालने का है तो 3x3 डिटर्मिनेंट रहेगा, सो इट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी सी, पी क्यू आर, 2a minus p, 2b minus q, 2c minus r. Have you understood this? We have to remove the determinant. 3x3 determinant. ओके, चलो नाउ लेट्स प्रोसीड विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द 3x3 डिटर्मिनेंट प्लस माइनस प्लस, याद आया मैंने ऐसे ही सिखाया था लास्ट ईयर। ओके, थ्री राउंड ब्रैकेट्स एंड थ्री डिटर्मिनेंट्स, three 2x2 determinants plus minus plus, three round brackets and three 2x2 determinants. okay, chalo round brackets mein main kaun sa value dalunga pehle, last year ka tum log determinants yaad karo, first row, okay, I'll put first row, so a b c, a b c, a b c, right? so when we consider a, okay, hide that row, hide that column, puro ko hide karo, wo column ko hide karo, bachta kya hai,
क्यू आर टू बी माइनस क्यू टू सी माइनस आर. ओके, हैव यू अंडरस्टूड दिस एवरीवन? Have you understood this, everyone? Okay. Then second object to B है. ये row को hide करो, ये column को hide करो. बचेगा क्या? P R 2A minus P 2C minus R. 2a minus p 2c minus r. फिर बचता क्या है? सी. ये रो को हाइड करो, ये कॉलम को हाइड करो. पी क्यू टू ए माइनस पी टू बी माइनस क्यू. इज दैट करेक्ट? ये चारों आएंगे. ओके, प्लीज कॉपी दिस नाइसली क्लियरली एकदम अच्छे से. और ये बाजू बाजू में नहीं लिखने का, क्यू आर ऐसा बाजू बाजू में मत लिखो. जस्ट लीव सम स्पेस. Should I proceed? Okay. ऊपर का पार्ट में इरेज कर रहा हूं. So A put a box bracket over here. Q into 2C minus R. Okay, Q into 2C minus R minus bracket minus bracket correct minus R into 2B minus Q. Okay, एक लाइन में फिट नहीं होगा, मैं आगे सेकेंड लाइन पे लिखता हूँ. माइनस बी सेकेंड कैलकुलेशन P into 2C minus R R into 2A minus P plus C P into 2B minus Q minus Q into 2A minus P. Okay. ये एक ही लाइन में है, अगर एक लाइन में फिट नहीं होता रहेगा तो ऐसा तीन लाइन में कंटिन्यू करूं. ठीक है, इट इज अलाउड इन द एग्जाम. चलो लेट्स सिंप्लीफाई दिस फर्दर. बहुत जन ने सॉल्व किया भी रहेगा, आंसर जीरो आ रहा है. नहीं सॉल्व किया तो डोंट वरी, वी आर स्टिल सॉल्विंग दिस. ओके, सो ए इंटू टू सी क्यू माइनस क्यू आर माइनस टू बी आर प्लस क्यू आर. ओके, ये वाला बॉक्स ब्रैकेट.
minus b into 2cp minus pr minus 2ar plus pr. Okay. Third bracket plus c into 2bp minus pq minus 2aq plus pq. Correct me if I'm wrong somewhere. बराबर है अभी ए बी सी को रेस्पेक्टिव ब्रैकेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते टू ए सी क्यू माइनस ए क्यू आर माइनस टू ए बी आर प्लस ए क्यू आर. ओके माइनस बी को मल्टीप्लाई करो इसके साथ साइन चेंज हो जाएगा माइनस टू. हाँ वो तो कैंसिल हो जाएगा दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. माइनस टू बी सी पी ओके प्लस बी पी आर प्लस टू ए बी आर माइनस बी पी आर फिर प्लस प्लस सी को मल्टीप्लाई करो इसके साथ टू बी सी पी माइनस सी पी क्यू माइनस टू ए सी क्यू प्लस सी पी क्यू. ओके cancellations two a b r two a b r cancel two a c q cancel two b c p cancel we are getting zero therefore determinant of a is equal to zero therefore matrix a is singular. Therefore, matrix A is singular. I hope you understood this. चलो बोलो तुम लोग समझा कि नहीं है तो सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में सेकंड सब क्वेश्चन थर्ड सब क्वेश्चन फोर्थ सब क्वेश्चन उसमें करना क्या है आपको व्हाट आर यू सपोज टू डू सेकंड थर्ड एंड फोर्थ डिटरमिनेंट निकालना है. फोर्थ वाला तो बहुत ही सिंपल है अगर जीरो आया तो फिर सिंगुलर जीरो नहीं आया तो फिर नॉन सिंगुलर. ओके ठीक है चलेगा क्या सेकंड थर्ड एंड fourth question are for self study. Let us go to fourth question.
लेट अस गो टू फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ का भी मैं थर्ड वाला सॉल्व करूंगा, फोर्थ का भी मैं थर्ड वाला सॉल्व करूंगा. ओके, फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर. फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर, फोर्थ का थर्ड वन. ओके, गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, इसको एक नाम दे देते हैं मैट्रिक्स को, थर्ड वाले मैट्रिक्स को एक नाम दे देते हैं. मैट्रिक्स इज सिंगुलर, थर्ड वाले मैट्रिक्स को एक नाम दे देते हैं ए. देयरफॉर व्हाट कैन आई कंक्लूड. Determinant of A equal to zero. Determinant of A equal to zero. Okay. Now this problem, I think Kritika you have asked. Kritika see, listen. अभी इसमें कैसा है कि ये जो problem है ना, ये हम लोग row और column operation से भी कर सकते. But then as of now, you don't have any knowledge of row operation. She might have done using row operation. Okay. So once you are aware of row operation, then only I will be able to tell you ki how she has solved. So as we proceed with the chapter, you'll come to know what is row operation. Okay, and first and foremost, in this type of problem, row operation is not compulsory. Okay, row operation is not compulsory, right? So this method is also okay. Aur isme bhi agar tum log ko ye dekho, main ye karna bhool gaya. ये ब्रैकेट के अंदर ही माइनस करने का रहेगा, तो माइनस कर लो पहले. आई वॉज टीचिंग सो आई डिडंट यू नो रियलाइज दैट, बट देन पहले ही माइनस करने का रहेगा, प्लस माइनस तो ये कैंसिल कर दो, तो इतना ज्यादा टर्म्स भी नहीं आएगा. बट देन इट हार्डली मैटर्स, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है ये. ओके, इवन इफ यू डोंट सब्ट्रैक्ट इट विद इन द बॉक्स ब्रैकेट, इज दैट फाइन? ओके, सो आवर क्वेश्चन अंडर डिस्कशन वॉज this fourth ka third one, fourth ka third. Okay, determinant of A is equal to zero. Now let's calculate determinant of A. Determinant of A is equal to determinant of k minus 1 2 3 3 1 2 1 minus 2 4. Okay, plus minus plus plus minus plus, three round brackets, three determinants, three round brackets, three determinants. Okay, previous slide वो तो problem हो गया है, just wait now, I mean this problem. अच्छा ये problem का previous slide, ये देखो. मैंने matrix को नाम दिया A, बोला है ना given matrix A is singular. Therefore, determinant of A is equal to zero. Equation number one. हो गया तो बोल देना प्लीज. Yes, done. Those who were asking, ये हो गया आपका copy करके. ओके, सो वी वर सॉल्विंग दिस. यहाँ पे k माइनस वन आएगा, यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे थ्री आएगा, फर्स्ट रो. ओके, k माइनस वन, इग्नोर दैट रो, इग्नोर दैट कॉलम,
वन टू माइनस टू फोर, ठीक है, देन टू, इग्नोर दैट रो, इग्नोर दैट कॉलम, थ्री टू वन फोर, थ्री, इग्नोर दैट रो, इग्नोर दैट कॉलम, थ्री वन वन माइनस टू, थ्री वन वन माइनस टू, ओके, सो दिस इज इक्वल टू के माइनस वन बॉक्स ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट फोर माइनस माइनस फोर, एम आई करेक्ट? देन माइनस टू ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट ट्वेल्व माइनस टू प्लस थ्री ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट माइनस सिक्स माइनस वन, सो के माइनस वन इंटू एट माइनस टू इंटू टेन प्लस थ्री इंटू कितना माइनस सेवन, बी केयरफुल अबाउट द प्लस एंड माइनस साइन, एरर्स हो सकता है, राइट? सो एट के माइनस एट माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी वन विच इज इक्वल टू एट के माइनस फोर्टी नाइन, एट के माइनस फोर्टी नाइन, आर यू पीपल ऑल्सो गेटिंग द सेम थिंग? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एट के माइनस फोर्टी नाइन, चलो कॉपी करो, दोज़ आर कॉपिंग प्लीज मेक इट क्विक, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स वैसे आपको आना चाहिए थ्री बाय थ्री का. ओके ठीक है, तो नाउ क्या क्या लिखूंगा मैं, फ्रॉम वन, नाउ आई राइट फ्रॉम वन, एट के माइनस फोर्टी नाइन इज इक्वल टू जीरो, एट के इक्वल टू फोर्टी नाइन, के इज इक्वल टू फोर्टी नाइन बाई एट, ओके, मेट्राइसिस चैप्टर में यू कैन लिव इट इन फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमेटर फॉर्मेट में लिख सकते हो, डेसिमल नहीं करोगे तो भी चलेगा, मैथमेटिक्स वन में फ्रैक्शन चलते हैं. ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, फोर्थ का फर्स्ट एंड सेकंड सब क्वेश्चन यू कैन डू इट एट होम, घर पे कर सकते हो तुम लोग, ओके, एक्सरसाइज 2.2. एक्सरसाइज 2.2. फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर वन, सब क्वेश्चन वन,
LHS, A plus B. तो मैं लिख लेता हूं व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी. ओके, नाउ देयर इज एडिशन साइन एंड इट इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस. इज दैट करेक्ट? Yes or no? Okay. Addition of two matrices. Okay. Now try to remember this, and you have to remember this basically. We can add or we can subtract. We can add or we can subtract two matrices if and only if their orders are same. If and only if their orders are same. समझ में आया तुम लोग को? We can add and subtract two matrices if and only if their orders are same. ये दोनों का order same है? ये दोनों का order same है? Yes. So we can add them. ठीक है? तो देखो. Two plus minus one. Corresponding elements will get added. Corresponding elements will get added. ये 2 का एडिशन माइनस 1 के साथ हो जाएगा. Corresponding elements का मतलब है जो पोजिशन पे जो नंबर है दोनों मैट्रिसेस में वो दोनों पोजिशन एड हो जाएंगे. A11 will get added to A11. ओके, तो दोनों का एडिशन कितना है? 1. ठीक है, फिर माइनस 3 का एडिशन किसके साथ होगा? माइनस 3 का एडिशन विल इट गेट एडेड टू जीरो. ऐसा कुछ भी नहीं करने का जो अच्छा लगता है वो. इट विल गेट एडेड टू द करस्पॉन्डिंग लोकेशन 2. इट विल गेट एडेड टू 2. कितना होता है? माइनस 3 प्लस 2, दैट इज माइनस 1. ओके, फिर 5 का एडिशन होगा 2 के साथ. 5 प्लस 2 दैट इज 7. ओके, माइनस 4 का एडिशन होगा 2 के साथ. माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2. फिर क्या आएगा? नेक्स्ट आंसर क्या है तुम लोग बोलो? माइनस 6. उसका नेक्स्ट आंसर 4. आर यू गेटिंग द सेम थिंग? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर गेटिंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड. RHS खुद से कर लो. चलो RHS डू इट ऑन योर ओन, मेक इट क्विक. RHS डू इट ऑन योर ओन. माइनस 4 प्लस 2 कितना होता है? ओके, RHS मिल गया आपको? RHS सेम मिला क्या? लास्ट वैल्यू शुड बी प्लस 2. क्या बोल रहे हो आप? नो सर, ऐसे कैसे नो? अरे ये 1 प्लस 3 कितना होता है? 4 रहता है कि 2 रहता है?
कि माइनस टू रहता है, यू आर टेलिंग मी माइनस टू राइट, माइनस टू बार बार आप बोल रहे हो माइनस टू, यस सानिया आप मुझे बार बार बोल रहे हो माइनस टू लिखने के लिए, वेर इट इज माइनस वन, इधर है माइनस वन, क्वेश्चन देखो आप बराबर से, पहले वेरीफाई करो आप बराबर से, हैव वी कॉपीड द क्वेश्चन इन अ करेक्ट मैनर बिकॉज देयर इज समवन हु इज आस्किंग अस कि ये बराबर नहीं है, ये बराबर क्वेश्चन है क्या, मैंने जो कॉपी किया है मेरे से कुछ गलती हो गया तो बोलो, ए और बी बराबर लिखा है, ए प्लस बी का एडिशन बराबर लिखा है क्या मैंने, एवरीथिंग इज राइट, ओके बी प्लस ए मुझे करना जरूरी है, शुड आई डू बी प्लस ए, शुड आई यू वॉन्ट मी टू डू बी प्लस ए, बी प्लस ए यू वॉन्ट मी टू डू, ठीक है बी प्लस ए कर देता हूँ, देर आर सम स्टूडेंट्स हु रिक्वायर दिस, आर एच एस बी प्लस ए, अभी इसमें प्लस माइनस आपका मिस्टेक हो रहा है तो फिर आई कांट हेल्प देन, ओके माइनस वन टू 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 जीरो एंड थ्री, टू माइनस थ्री फाइव, माइनस फोर माइनस सिक्स वन, ओके माइनस वन प्लस टू दिस इज प्लस वन, ओके टू माइनस थ्री दैट इज माइनस वन, टू प्लस फाइव दैट इज सेवन, टू प्लस माइनस फोर दैट इज माइनस टू, जीरो प्लस माइनस सिक्स दैट इज माइनस सिक्स, एंड थ्री प्लस वन दैट इज फोर, ए प्लस बी बी प्लस ए सेम आया क्या, देखो ठीक है एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर वन सब क्वेश्चन टू, क्वेश्चन नंबर वन सब क्वेश्चन टू, एलएचएस ओके लेट्स डू दिस वेरी केयरफुली, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर है प्लस सी, ओके सो ए प्लस बी प्लस सी, लेट्स पुट अ ब्रैकेट ओवर हियर एंड लेट्स पुट द वैल्यूज, ओके ये दोनों को ऐड करता हूं पहले ब्रैकेट, बराबर है ए प्लस बी बराबर किया मैंने, पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन कर लेता हूं, हैव आई डन इट करेक्टली, सी
1 plus 2, that is 5, minus 1 plus 3, that is 2, 7 minus 1, that is 6, minus 2 plus 4, that is 2, minus 6 minus 2, that is minus 8, 4 plus 1, that is 5. Okay. Have you got the same thing? Hello? Have you got the same thing? There is no reply. Okay. RHS खुद से कर सकते हो? RHS? Will you do that on your own? पहला जो ब्रैकेट है ना बी प्लस सी उसको पहले सॉल्व करो और फिर ए को ऐड करो. RHS डू इट ऑन योर ओन. कम ऑन. ए प्लस बी और बी प्लस ए सेम रहेगा. LHS इक्वल टू RHS. ओके आ रहा है तो फिर वेल एंड गुड. रियली वेल एंड गुड. अदरवाइज इफ यू वांट मी टू सॉल्व आई विल सॉल्व. शुड आई प्रोसीड? आगे बढ़ू कि नहीं बढ़ू? यस वेटिंग. ये संडे को कौन सा टेस्ट है तुम लोगों का? ओके ये संडे को इंडेक्स नंबर नहीं है रे. देख ले बराबर से. ये संडे को अकाउंट्स का है. जस्ट चेक प्लीज चेक. अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा ना. Yeah, so now we'll proceed. Let us go to question number 2. Let us go to question number 2. See, these are easy problems. Like I don't really want to dedicate huge amount of time on easy problems. Barabar na? Kyunki difficult problems ke upar jyada hum log, you know, time spend karenge to fir acha rahega. Okay, so please cooperate. Find the matrix A minus 2B plus 6I. They are asking A minus B plus A minus 2B plus 6I, where I is the unit matrix of order 2. Unit matrix is also called as identity matrix. Unit matrix is also called as identity matrix, right? Okay. So A 1 minus 2, 5 and 3. B
1 minus 3, 4 and minus 7, 6. बराबर लिखा है मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैव आई रिटन इट करेक्टली? आइडेंटिटी मैट्रिक्स जीरो आएगा, सॉरी, बराबर है? ओके, नाउ टू कैन गो विद इन दिस ब्रैकेट, सिक्स कैन गो विद इन दिस ब्रैकेट, अग्रीड? यू हैव टू मल्टीप्लाई टू विथ ऑल द टर्म्स एंड सिक्स विथ ऑल द टर्म्स. माइनस साइन को अंदर नहीं लेके जाएंगे, माइनस को बाहर ही रखेंगे, साइंस को अंदर, नंबर को अंदर लेके जाएंगे. नाउ दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन. आई इज नॉट गिवन, आई तो बोला है ना, आई इज यूनिट मैट्रिक्स, आई बोला है ना यूनिट मैट्रिक्स, जस्ट रीड द प्रॉब्लम. ऑर्डर टू, ऑर्डर टू मतलब टू बाई टू. ओके, ये टू को ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा मैं, सिक्स को ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा. दिस टाइप ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज कॉल्ड एज स्केलर मल्टीप्लीकेशन. देर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. वो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, वी विल लर्न इन सब्सिक्वेंट लेक्चर्स, नॉट नाउ, नॉट टूडे. लेकिन आज तुम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन सीख रहे हो. ओके, सो वन माइनस टू, फाइव एंड थ्री, टेक टू इन साइड द मैट्रिक्स, टू को मैट्रिक्स के अंदर लेके आओ. टू माइनस सिक्स, एट, टू इंटू माइनस सेवन, दैट इज माइनस फोर्टीन. ओके, सिक्स जीरो जीरो सिक्स. समझ में आया क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? आई को कैसे रिप्लेस किया? मैंने बोला ना, आई इज यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ऑफ ऑर्डर टू है, इट्स गिवन इन द प्रॉब्लम. तो आई इज 1001. यूनिट मैट्रिक्स क्या है, मैंने लास्ट टाइम बताया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में. साइन क्यों चेंज होगा, मैंने माइनस साइन को अंदर लेके गया है क्या मैं? साइन क्यों चेंज होगा? सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग, इधर साइन चेंज करो. मैं सिर्फ टू को अंदर लेके गया, माइनस को नहीं लेके गया, साइन क्यों चेंज होगा? ओके, वन माइनस टू प्लस सिक्स, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर गेटिंग एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. चलेगा क्या? वन माइनस टू प्लस सिक्स, वन माइनस टू प्लस सिक्स कितना होता है, कितना होता है? फाइव. एक साथ करेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा उतना अपना टाइम एग्जाम में सेव होगा. बाजू वाला एलिमेंट बोलो उसका कितना रहेगा. माइनस टू माइनस माइनस सिक्स मतलब माइनस टू प्लस सिक्स प्लस जीरो कितना होगा? फोर, राइट? इट विल बी फोर. ठीक है, माइनस टू माइनस माइनस सिक्स मतलब माइनस टू प्लस सिक्स हो जाएगा. ओके, प्लस जीरो. ठीक है, नेक्स्ट क्या रहेगा बोलो? नेक्स्ट वन इज माइनस थ्री, नेक्स्ट वन इज माइनस थ्री.
okay, phi minus 8 plus 0 कितना आएगा? फाइव माइनस एट प्लस जीरो कितना? माइनस थ्री, माइनस फोर। क्या यार, रुला दिया पूरा शाम के टाइम पे टीचर को। ओके, देन थ्री माइनस माइनस 14 प्लस 6 मतलब 3 माइनस माइनस 14 मतलब 3 प्लस 14 प्लस 6 23 23। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर गेटिंग एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड। Corresponding elements are getting added and subtracted. So be careful while calculating. Calculation तुम लोग सही करो। Calculation में किधर mistake करोगे तो फिर तुम लोगों को लगेगा teacher सब गलत पढ़ा रहा है। That will not happen. You will have to verify your calculations. Please एक बार देख लेना। Okay? Third, if you copied this, I'll proceed with third one. देखो 11 नहीं है, अभी मैंने calculation दिखाया, अभी 11 किधर से आया? मैंने कैलकुलेशन दिखाया भी है, ऐसा नहीं कि मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाया। 11 किधर से आ रहा है फिर देखो बराबर से आप। ओके, थर्ड प्रॉब्लम, आई स्टार्ट विथ थर्ड प्रॉब्लम विथ योर परमिशन। ओके, फाइंड मैट्रिक्स सी सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो लिखा मैंने। जीरो मैट्रिक्स को हम लोग नल मैट्रिक्स बोलते हैं, विच इज डिनोटेड बाय बिग ओ या कैपिटल ओ। मालूम है क्या? लास्ट लेक्चर याद करो, जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, कैपिटल ओ। कौन सा मैट्रिक्स चाहिए अपने को इसमें? विच मैट्रिक्स डू वी रिक्वायर? ए बी सी में से कौन सा सही चाहिए? सी चाहिए। तो कैन आई राइट सी इज इक्वल टू जीरो माइनस ए माइनस बी, सॉरी ओ माइनस ए माइनस बी। ओ बोलो जीरो बोलो एक ही बात है, ओ माइनस ए माइनस बी या जीरो माइनस ए माइनस बी। अरे ये दोनों मैट्रिसेस राइट हैंड साइड पे गया ना, इधर माइनस साइन नहीं आएगा क्या? सी मैट्रिक्स चाहिए। कौन बोला सी इज अ जीरो मैट्रिक्स? सी इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। ए प्लस बी प्लस सी इज अ जीरो मैट्रिक्स, इट इज गिवन। सी इज नॉट अ जीरो मैट्रिक्स। सम स्टूडेंट्स आर टेलिंग सी इज अ जीरो मैट्रिक्स। इज सी अ जीरो मैट्रिक्स? सी अगर जीरो मैट्रिक्स है देन व्हाई दे विल आस्क टू फाइंड सी? फिर सी क्यों पूछेंगे? फाइंड मैट्रिक्स सी क्यों पूछेंगे? अगर सी जीरो मैट्रिक्स दिया है तो कॉमन सेंस यूज करो प्लीज। ओके, अच्छा टेल मी, हैव यू अंडरस्टूड दिस? हैव यू अंडरस्टूड दिस? ये समझाए तो ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सी इज इक्वल टू, अभी देखो मैट्रिक्स ए और बी का ऑर्डर क्या है? ए और बी का ऑर्डर क्या है? थ्री बाय थ्री, वेरी गुड। थ्री बाय थ्री, थ्री रोज थ्री कॉलम्स। तो तुम लोग के हिसाब से, तुम लोग के हिसाब से नल मैट्रिक्स जो है ओ, ओ बोलो जीरो बोलो, नल मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर क्या रहना चाहिए तुम लोग के हिसाब से? उसका भी ऑर्डर थ्री बाय थ्री ही रहेगा। ओके, क्योंकि प्रॉब्लम में कंसिस्टेंटली दे आर यूजिंग थ्री बाय थ्री ऑर्डर। ठीक है, दे विल नेवर स्पेसिफाई कि जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा, इट विल बी एज पर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में अगर ए और बी दोनों ए टू बाई टू रहता था, टू बाई टू रहता था, तो फिर नल मैट्रिक्स भी टू बाई टू रहता था।
Have I made myself very clear? Okay. So this is zero matrix, 3x3, individual elements will be zero. Samjha kya? Have you understood this? Zero matrix hai na, so individual elements will be zero. बोलो यस और नो. ओके, इसका ऑर्डर मैंने 3x3 क्यों लिया है? व्हाई आई हैव टेकन दिस ऑर्डर एज 3x3? व्हाई आर ऑल जीरो? ए बाबा, इससे कैसे सवाल पूछ रहा है? ये सब में जीरो क्यों डाला मैंने? ये जीरो मैट्रिक्स है तो इसमें सब में जीरो क्यों डाला मैंने? कैन समवन टेल? जीरो मैट्रिक्स में इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जीरो ही रहता है ना, और कोई नंबर आता है क्या उसमें? इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स तो जीरो ही रहता है, इसके लिए जीरो डाला मैंने. अच्छा, क्या हो गया तुम लोग को? तुम लोग आज मुझे बहुत, सम स्टूडेंट्स आर आस्किंग वेरी सिली क्वेश्चंस. ए एंड बी, चलो 1, 2, and -3, -3, 7, and -8, 0, -6, and 1, 8, 9, 1, 9, -1, 2, -4, 2, 5. 4, 0, -3. ओके, नाउ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल गेट एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. यहाँ पे तो सब्ट्रैक्शन ही है. ओके, अभी इसमें तुम लोग कोई जल्दी जल्दी में मत करो, बराबर से करो एकदम. 0, -1, -9. आंसर इज -10. ठीक है, उसके बाजू में क्या आएगा बोलो? चलो, पहला -10 आया, दूसरा वाला वैल्यू क्या है? वेटिंग, आई एम वेटिंग फॉर यू. -1, वेरी गुड, -1. थर्ड, कैलकुलेशन एरर नहीं चाहिए. 5 is wrong. Please check. Please check. -5 is also wrong. Please check. बहुत जन ने राइट आंसर दिया है. 90% of the students are giving me right answers. Answer is 1, 0, -3. 0, -3 तो प्लस और प्लस 3 होता है ना. +3, -2. Answer is 1. So be extra careful. मैट्राइसिस तुम लोग को लगता रहेगा इजी चैप्टर है, कुछ इजी नहीं है. आगे आगे देखो, बहुत डिफिकल्ट बनने वाला है वो. नेक्स्ट, और डिफिकल्ट इसके लिए बनता है क्योंकि यू देयर विल बी सो मेनी सिली मिस्टेक्स दैट यू आर गोइंग टू ऑफर. सेवन, -9, 3, 7, -9, 3. Still some students are asking me how 7. 0, -3, कितना होता है 0, -3, +3.
माइनस माइनस प्लस फोर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का टीचर यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू टीच यू प्लस माइनस ही और शी क्लास में रहने दो कॉलेज में रहने दो टीचर्स विल एक्सपेक्ट की एडिशनल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिविजन बेसिक कैलकुलेशन तुम लोग को आएगा बोलो आगे माइनस फोर इज राइट नेक्स्ट वैल्यू इज माइनस फोर वेरी गुड देन सिक्स सिक्स इज ऑल्सो राइट एंड द लास्ट वन इज टू टू इज ऑल्सो राइट हैव यू अंडरस्टूड दिस लास्ट प्रॉब्लम फॉर द डे इसके बाद दो सेकेंड का प्रॉब्लम है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा सिक्स है बेटा माइनस सिक्स कैसे जीरो माइनस माइनस सिक्स कितना होता है सिक्स माइनस जीरो इस सिक्स माइनस सिक्स कैसे ओके सो यू हैव टू बी एक्स्ट्रा 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 केयरफुल राइट क्योंकि अगर इसमें कुछ गड़बड़ होता है तो फिर इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर मार्क्स इफ योर मार्क्स आर गेटिंग अफेक्टेड वी ऑल आर अनहैप्पी देन राइट ओके लेट अस गो टू फिफ्थ प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर फाइव दो सेकेंड का प्रॉब्लम है खत्म कर देते उसको शुड आई प्रोसीड गाइज टेल मी ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर फाइव ए इज इक्वल टू फाइव वन माइनस फोर थ्री टू जीरो फाइव वन माइनस फोर थ्री टू जीरो ये देखो अपने को ये चाहिए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज सो शुड वी फाइंड फर्स्ट ए ट्रांसपोज पहले ये फाइंड आउट कर लेते चलो सिंपल है कुछ नहीं ए ट्रांसपोज रो बनेगा कॉलम रो बन गया कॉलम ओके रो बन गया कॉलम अभी इस चीज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दैट विल कम फ्रॉम हियर यहां से आएगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम ओके हैव यू अंडरस्टूड दिस सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इफ दे आस्क यू तो फिर बहुत अच्छी बात है लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा तो पूछेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फॉर होमवर्क ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज ए ओनली करेक्ट ओके क्वेश्चन नंबर सिक्स इज फॉर होमवर्क फिफ्थ तो मैंने कर दिया सिक्स कर लो क्या पूछ रहा है निखिल तू 2.3 1.3 3.3 क्या है ये सब
इन स्टार्टिंग इट इज 3.3, क्या ये 3.3? ओके ऑर्डर जाने दो, ऑर्डर क्या लेना देना, ठीक है? या आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है? सो दैट इज द एंड ऑफ द क्लास एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. बाय बाय, टेक केयर.